बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर पर। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नॉन वर्बल सीरीज़। बेटा, सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं अभी के हालात के बारे में बात करूं तो हम सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं, और जो हमारी दिनचर्या थी पहले जैसी अब नहीं रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस आप सभी अपने घर पर रहें और स्वस्थ रहें। जैसे कि अभी मेरे एक छात्र ने मुझे एक व्हाट्सअप किया है और मैसेज किया था, 2 दिन पहले किया था। कुछ पंक्ति मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसने लिखा है कि चाँव चाँव करके हम चाँव से खाते थे चाउमीन, चाँव चाँव करके हम चाँव से खाते थे चाउमीन, नास पीटे बुरा हो तेरा तूने मज़े हमारे लिए छीन, नास पीटे बुरा हो तेरा तूने मज़े हमारे लिए छीन, अच्छा खासा इंसान देखो बंदर बन के डोल रहा है, हाथ मिला के बनता अंग्रेज, हाथ मिला के बनता अंग्रेज अब नमस्ते बोल रहा है। बहुत ही सही पंक्तियाँ भेजी मुझे उसने व्हाट्सएप में, और यही आज के हालात बन चुके हैं कि अब इंसान इंसान से दूर हो रहा है, और देखिए सारी चीज़ें पहले जैसे कब हो सकती हैं। तो बस आपसे यही चीज़ है कि आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिजनों का देखभाल करते रहें। अगर कोई वृद्ध है तो उसको घर से बाहर मत निकालने दें और आप पूरी उनकी मदद करें बच्चों। तो चलिए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है सीरीज़। और सीरीज़ अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्ज़ाम की, तो रागा के अंदर में बेटा आपकी जो रीजनिंग बनती है वो 16 या कभी 15 नंबर की रीजनिंग आती है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल सेक्शन की, तो नॉन वर्बल सेक्शन फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन जरूर इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज़ से ही बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ को, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है वो सारे के सारे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप बनता है उसको हम लोगों ने मैंने नाम दिया भुजाओं या रेखाओं में वृद्धि, यानी कि यहाँ पर भुजाओं में वृद्धि होगी या फिर इनकी रेखाओं में वृद्धि होगी। तो पहला जो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल दिख रहा होगा उसके अंतर्गत आपको लाइनें दिख रही होंगी। पहले 2 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं, फिर 4 लाइनें। अब 4 के बाद बेशक आपको पता है कि जो लाइनों की संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, यानी कि जो उसका आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसके टाइप बता रहा हूँ जिससे आपके समझना इजी हो जाए, देन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा टाइप है उसमें अगर मैं बोलूँ तो भुजाओं या रेखाओं की संख्याओं में कमी, तो वहाँ पर वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर कमी हो रही है। अगर मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें जो लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि इसमें जो लाइनें हैं पहले वाली में वो है 8, उसके बाद में आपको मिलेंगी 7, फिर 6, फिर इसके बाद आपको मिलेगी 5। अब आप चेक करिए कि 5 कहाँ पर मिल रही है, तो आप सबको ध्यान से दिख रहा होगा कि जो बी ऑप्शन है वहाँ पे 5 लाइनें दिख रही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे। तो जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले एक सर्किल बना, फिर उसके साथ में ट्राइंगल आ गया, सर्किल ट्राइंगल फिर क्रॉस का साइन, यानी कि एक इमेज और बढ़ जाएगी। अब ट्राइंग क्रॉस के बाद में जो आपका साइन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए चलते हैं एक और टाइप की तरफ। यहाँ पर आकृतियों की संख्या में कमी होगी, तो आकृति की जो संख्या है वो एक रूल के तहत कम होती हैं बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला जो हमारा है वहाँ पे इनटू भी है, प्लस भी है, सर्किल भी है, माइनस का साइन है और डिवीज़न का भी साइन है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो सेकंड है यहाँ पे सर्किल नहीं है, सर्किल के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा क्रॉस भी गायब है। अब क्रॉस के बाद जो गायब होगा वो प्लस का साइन गायब होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा पाँचवें टाइप पे। तो पाँचवें टाइप के अंतर्गत अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग लिखी है आकृति की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि आकृति की जो स्थिति है वो इंटरचेंज हो रही है। कोई भी ना तो यहाँ पे क्या बोलते हैं सिंबल कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो अपने स्थानों को परिवर्तित कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ कोई भी आपत्ति में, तो मैंने ट्राइंगल यहाँ से उठाया, अब ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे सेकंड वाले फिगर पे देखा तो उसने एक घर मूवमेंट किया, फिर ट्राइंगल यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँचेगा तो एक घर यानी कि 2 घर। तो ट्राइंगल पहले एक घर चला, फिर 2 घर चला, फिर इसके बाद में वो 3 घर चला। जब ये 3 घर चलेगा तो 1 घर, 2 घर और 3 घर, यानी ट्राइंगल आएगा वो यहाँ पर आएगा।
तो इस प्रकार या तो आपका ये ऑप्शन सही होगा या तो आपका डी ऑप्शन होगा सही। अब इसके बाद में आप क्रॉस के निशान को चेक करिए, तो क्रॉस का निशान यहाँ था तो यहाँ पर आ गया यानी कि एक घर, अब यहाँ से यहाँ पर आ गया दो घर, अब वो तीन घर चलेगा, तो एक घर दो घर और तीन घर यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा था पाँचवा टाइप। अब हम लोग चलते हैं छठे टाइप की तरफ, छठा टाइप को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा आकृतियों का घूर्णन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बेटा। अब यहाँ पर जो आकृति इमेज होती है या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, या तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, वो आपको चेक करना है कि किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से है, अब इसने जो मूवमेंट किया होगा वो घड़ी की दिशा में मूवमेंट किया है 45 डिग्री, फिर से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, अब ये घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मूवमेंट करेगा बेटा, तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए एक और टाइप पे डिस्कस करते हैं जो हमारा आखिरी टाइप है। यहाँ पर ध्यान से देखना, लिखी हेडिंग आकृतियों की संख्या में वृद्धि और स्थान परिवर्तन दोनों एक साथ, यानी दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल के बाद में आपको क्रॉस भी मिला, सर्किल क्रॉस दोनों हैं और उसके साथ में ट्राइंगल आ गया है, तो सर्किल क्रॉस दोनों हैं ट्राइंगल आ गया है, तो अब एक इमेज और आएगी। अब ध्यान से देखो वो इमेज कौन सी है, जल्दी से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्किल यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, यानी सर्किल ने एक घर मूवमेंट किया है। अब सर्किल यहाँ पर आया है तो सर्किल ने एक घर मूवमेंट किया है, यानी कि अब जो सर्किल होगा वो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब सर्किल के साथ क्रॉस को भी चेक करिए, तो क्रॉस तो पहले में था नहीं, लेकिन जब था तो वो एक घर चला, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस एक घर चलेगा, यानी क्रॉस होगा ऊपर, यानी क्रॉस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये कट गया और ये कट गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।